सबसे पहले मुख्य अतिथि का आर्ट्स मुंबई विश्वविद्यालय से पहचान भी है। एक सामान्य सा परिचय हुआ, बीए मराठी, एमए पॉलिटिकल साइंस, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा। अब मैं मराठी बनाना चाह रहा हूँ। त्यांनी केलेल्या नाटकांची यादी खूपच मोठी आहे। काही निवडक नाटक म्हणजे जन्मठेप, आता कसं वाटतंय, केस नंबर 99, सोमपी, राजा शिवाय। त्याशिवाय निर्माता, लेखक, दिग्दर्शक म्हणजे आपण मराठीत दिग्दर्शक म्हणतो, आणि नट म्हणून त्यांनी बऱ्याच विभागात काम केलं। सिनेमा म्हणायचं झालं तर वीर सावरकर सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून, अचानक लेखक दिग्दर्शक, तर बेलगाव चित्रपट त्यांनी स्क्रीन पिक्चरवर आपले योगदान केलेलं आहे। दांडगी बोले आता ग बया, तर नट म्हणून सुपरहिट चित्रपट दृश्यममध्ये आणि खासकरपणे ये रे ये रे पैसा आणि माझा भिरभिरा उल्लेखनीय आहे। हिंदी चित्रपटात सत्यमेव जयते, ब्लॉकबस्टर मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, अपनी तो पाठशाला आणि ज्योती उल्लेखनीय म्हणायला लागते। टेलिव्हिजन शो म्हणजे क्राईम पेट्रोल, स्पेशल फाईट मध्ये काम केलेलं आहे, तसंच झी मराठीच्या नांद्या सोबरे, टू बाय टू, चेकमेट, पेशवाई, घरकुल, शिवाय इतरही लोकप्रिय मालिकातून ते झळकलेले आहेत। आपल्यातील बहुतेकांना त्यांना पाहिले आहे। त्यांच्या लेखनात विविधता व आशयखंड विषय मांडले, दांडगा आत्मविश्वास दिसून येतो। 63 एक पात्री प्रयोग, 7 द्विपात्री प्रयोग, उदाहरणार्थ आनंदो, श्री सुप्त एकदा काय झालं सांगू, नाट्यरंगण त्याचे प्रमुख आहेत। या क्षेत्रात श्री योगेश सुमन ने बरीच पारितोषिकं आणि मानपत्र मिळवलेली आहेत आणि 15 जास्त अवॉर्ड्स आहेत त्यांच्या नावावर। इंडियन काउन्सिल ऑफ कल्चरल रिलेशन्समध्ये ॲडवायझरी मेंबर आहेत। मराठी ड्रामा सेन्सर बोर्ड महाराष्ट्र सरकार आणि गव्हर्निंग काउन्सिल सदस्य पण आहेत। हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात युनिव्हर्सिटीच्या बी ए ड्रामा या विषयाचे पेपर सेटर पदावर पण त्यांनी कार्य केलेलं आहे। पुण्यात 2017-18 साली लेखन पाठशाळा, लेखन निवासी पाठशाळा यशस्वी करून दाखवले, एक जटीन फिकंडी म्हणून पण ते आहे। पुणे येथे 1987 साली त्यांनी स्नेह अकॅडमीची स्थापना केली। व्यक्तिगत आणि थिएटर समूहाच्या माध्यमातून 5,000 जास्त विद्यार्थ्यांना त्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन आजही लाभत आहे। आता मी त्यांच्या सन्मानात माल्यार्पण करायला आदरणीय जयप्रकाश गोरे यांना अत्यंत विनम्रपणाने निवेदन करत आहे। हिंदी व मराठी या दोन्ही भाषांवर समान अधिकार असणारे डॉक्टर सोमा कंपूवाले यांनी डॉक्टरेट मात्र संस्कृत विषयावर घेतलेली आहे। एकीकडे मुंबई पुण्यातील स्थापित यशस्वी मासिके एकामागून एक बंद होत असताना सुद्धा ब्रहन महाराष्ट्रात, म्हणजे आपण जिथे राहतो महाराष्ट्राच्या बाहेर, चैती समाजात हे सर्वांगसुंदर पाक्षिक गेली सतत नऊ वर्षे म्हणजे काही चर्चा नाही संपादन आणि प्रकाशन पण करत आहेत, ही आम्हा ग्वाल्हेरकरांना नक्कीच एक अभिमानाची बाब आहे। त्यांच्या नावावर स्वप्न झेपावले आकाश हा कथासंग्रह, स्पंदन काव्यसंग्रह, तसेच ग्वालियर के गली मोहल्ले हिंदीतला अनुवाद मराठीत आणि राजा हर्षवर्धन ही कादंबरी हे त्यांचे साहित्य वैभव आहे। त्याशिवाय उत्कृष्ट मंच संचालन आणि उत्कृष्ट वक्ता म्हणून त्यांनी अत्यंत नाव कमावलेलं आहे।
मी आदरणीय प्रतिभा ताईंना निवेदन करेल की त्यांनी मला पण करून विद्यमान है वह भी देखा जाए तो किसी प्रकार के परिचय का मुद्दा है कतई नहीं है। ये हमारे ही है एक प्रकार से, जिला उन्नाव भी हमारा है, चंदेरी भी हमारे मध्य प्रदेश का है, और जब वो यहाँ पे तो हमारे ही है। इनकी विनम्रता को देखकर हम उनको हमारा ही कह सकते हैं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं आता है। इनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा परिचय के रूप में। उन्नाव वाला जी जिला दतिया में इनका जन्म हुआ है, और डॉक्टर हिमांशु जी की द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा माधव महाविद्यालय चंदेरी जिला गुना में संपन्न हुई। उसके पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से विलुप्त होती नाट्य परंपरा बुंदेली स्वामी, इस पर इन्होंने पीएचडी की, और देखिए दो दो स्वर्ण पदक भी झटक लिए साथ में। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी साहब वर्तमान में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में विभाग अध्यक्ष हैं, नाटक एवं संकाय में कार्यरत हैं, साथ ही शोध विभाग के निर्देशक भी हैं। अभिनेता, निर्देशक, गायक और लेखक के रूप में विख्यात हैं। 45 से अधिक नाटकों में अभिनय तथा 25 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। अनेकों सम्मान जैसे नटराज सम्मान झांसी, कला गुरु सम्मान ग्वालियर, ग्वालियर गौरव सम्मान, बुंदेलखंड गौरव सम्मान आदि जैसे अनेकों सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय मजुमदार साहब को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आगे बढ़ते हुए हम जहाँ बैठे हुए हैं उसके विषय में मैं दो शब्द ना बोलूं तो बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। मराठी में ही बोल रहा हूँ, कृपया भावना भी समझिए। 30 अक्टूबर 1937 वजी परम आदरणीय कैलासवादी यादव यदाशिव भागवत, यादव सदाशिव भागवत व त्यांच्या काही मित्रांनी आर्टिस्ट कम इंडिया संस्थेची स्थापना केली। व्यावसायिक नसलेली, फक्त शौकासाठी आणि हो शौकीनासाठी पण, थिएटर आणि कलाविष्कारासाठी, कलेसाठी, लहान थोड्यांचे मन कलेकडे वळवण्यासाठी या चित्रकला, नृत्यकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी इत्यादी विषय पण होते। 1954 पर्यंत ही संस्था शुद्ध म्हणजे विशुद्ध मराठी होती आणि त्याच प्रकारे कार्यरत होती, पण त्यानंतर 1954 रजिस्ट्रेशन झालं संस्थेचं आणि मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांना समान आदर आणि महत्त्व देत कलासेवकांनी आपले कार्य पुढे सुरू ठेवले। ग्वालियर आणि केवळ मध्य प्रदेशातच नाही तर संपूर्ण भारतातच ही अशी एकमेव संस्था आहे जी गेल्या 83 वर्षापासून हिंदी आणि मराठी रंगमंच परंपरेला आदर देत रंगदेवतेची मनपूर्वक उपासना अव्याहतपणे करीत आहे। संस्थेच्या नाट्यभवनाचे नाव नाट्य मंदिर आहे, त्यावरूनच कलासेवकांच्या संस्कृतीचे उदात्त भावनेची पण जाणीव होते। हिंदी में बोलना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। गत 83 वर्ष से ये जो संस्था है जहाँ हम बैठे हैं नाट्य मंदिर कहलाती है कम आर्टिस्ट कमाई, गत 83 वर्ष से लगातार यह प्रयोगरत है और मराठी और हिंदी रंगमंच यहाँ पर अनेक प्रकार के नाटक लगातार अच्छी तरह से खेले जाते रहे हैं और रंग देवता की सेवा की जाती रही है, न केवल ग्वालियर मध्य प्रदेश अभी तो पूरे भारत भर में ऐसी कोई संस्था नहीं है। तालियां बनती हैं। महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धे 1964 ते 1990 पर्यंत यशस्वी स्पर्धक म्हणून इथल्या कलावंतांनी नाव मिळवले आहे, कमावलेले आहे। रजत
स्वर्ण आणि अमृत महोत्सव साजरा करत संस्थेची यशस्वी घुडदौड अजून डौलत सुरूच आहे. यह वाटचालीत कैलासवासी श्री भैया साहेब, कैलासवासी प्रोफेसर राम देवळेकर, ना बा पराडकर, प्रोफेसर विजय बापट आदींनी ही गौरवशाली परंपरा टिकवली, तर इतरही बऱ्याच जणांचा त्याचा मी उल्लेख नाही करू शकत आहे काही कारणामुळे. याचाच या सिंहाचा वाटा आहे. अगदी म्हणजे कोरोना काळातही ऑनलाईन 45 मराठी हिंदी नाटके यशस्वीपणे झळकून दाखवली. भाई आप सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन कि कोरोना जैसे काल में आपने 45 नाटकों का मंचन किया है ऑनलाइन के जरिए. फिर एक बार तालियां. ये सुन के जो भी सुनेगा उसको बहुत अभिनंदन लगेगा, मतलब अभिमान लगेगा कि हमने इतना अच्छा काम कर दिखाया है कोरोना के काल में, जबकि एक तरफ तो विकराल स्थिति थी, जन जन व्याकुल था इस विकराल स्थिति को देख ले. ऐसे में भी मनोहर बनाने के लिए संदेशवाहक नाटक हमने प्रस्तुत किए, वाकई में एक अभिमान की बात होती है. लोकहो आज का कार्यक्रम आर्टिस्ट कंबाइन च्या वतीने व राज्य मराठी विकास संस्था मुंबई महाराष्ट्राच्या संवेदनाने सादर केला जात आहे. यह कार्यक्रम आर्टिस्ट कंबाइन की ओर से राज्य मराठी विकास संस्था मुंबई महाराष्ट्र के सदन से प्रस्तुत किया जा रहा है. अब इसके पश्चात जैसे कि मैं जितनी बड़बड़ करना चाहता था कर चुका हूँ, अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो विद्वान लोग हैं वो भी अपने विचार व्यक्त करें. सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर हिमांशु देवरी साहब से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह आए अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार हमें मूल्यवान दो शब्दों से अवगत कराए. डॉक्टर हिमांशु देवरी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब. मंच पर आसीन परम सम्माननीय रंगमंच के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और जिनको हम सब आदर्श के रूप में देखते हैं माननीय योगेश सोमण जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय मैम उषा जी, उमा जी, मंचपरासी भाई साहब, संजय जी जो आर्टिस्ट कंबाइंड के सचिव हैं और आर्टिस्ट कंबाइंड के सभी जो मार्गदर्शक हैं, जो कार्यकारिणी में हैं और इस ऊंचाइयों पर इसे पहुंचा रहे हैं, उन सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं. साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी माताएं बहनें, प्यारे छात्र छात्राएं, बहुत ही सुखद अवसर है और इस तरह के आयोजन के रूप में मैं क्या कहूं, आज मेरे पास शब्द नहीं है. जब भी हम भारतीय रंग परंपरा की बात करते हैं और उसके व्यवसायिक रंगमंच की बात करते हैं तो मराठी रंगमंच एकमात्र ऐसा सशक्त उदाहरण है जिसको देखे बिना हम भारत के रंगमंच के व्यवसायिक रंगमंच की कल्पना नहीं कर सकते. विशेष रूप से हम हिंदी पट्टी के लोग हैं और अक्सर इस अभाव से जूझ रहे हैं. हमें इस रंगमंच को आदर्श मानकर अगर कार्य करें तो निश्चित रूप से मराठी रंगमंच को प्रेरणा देगा जो हिंदी रंगमंच को भी व्यवसायिक रूप से समृद्ध करेगा. ऐसी उत्कृष्ट कार्यशाला का आयोजन हुआ है और मैं बहुत अभिभूत हूं. जैसा कि भाई साहब सबका परिचय मराठी में पढ़ रहे थे, मेरा हिंदी में पढ़ा तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी मेरा मराठी में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मातृत्व का भाव है, ये जो प्रेम का भाव है, ये मराठी रंगमंच के प्रति जो मराठी कलाकारों का भाव है वो सच में देखने योग्य है. इतनी नम्रता, विनम्रता, सद्भाव हिंदी बैंक में नहीं मिलता, संभवतः मिलता है तो कम मिलता है. हमें इसके प्रेरणा और आदर्श मानकर कार्य करने की जरूरत है. संजय जी बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, विकट से विकट परिस्थितियों में भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनको कार्य करने के लिए जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनका सहयोग बन रहे हैं, उनके बच्चे जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वो सब इस आर्टिस्ट कंबाइंड परिवार दिल से वंदन अभिनंदन का अधिकारी है. मैं राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग में हूं और हम लगातार पढ़ रहे हैं, रंगमंच सीख रहे हैं.
मराठी रंगमंच के इतिहास की परंपरा को हम बढ़ाते ही हैं, लेकिन आज इस आयोजन में बुलाकर मुझे आपने एक नई प्रेरणा दी है। आगामी कुछ वर्षों के बाद या कुछ इसी वर्ष से संभवतः हम अपने अध्ययन मंडल में पारित करवाएंगे माननीय कुलपति जी के माध्यम से कि साल या दो साल में मराठी रंगमंच का प्रशिक्षण के साथ मंचन भी होना चाहिए, जिससे वास्तव में उस कला को समझे और उसकी इच्छा आगे बढ़े। ये कार्यशाला बहुत अद्भुत है, मैंने अपने बच्चों को भी कहा है वो सब भागीदारी रहेंगे, यहाँ पर सीखेंगे और ग्वालियर अंचल के जितने भी युवा कलाकार हैं वो सब सीखेंगे। और बहुत सौभाग्य का अवसर है कि ऐसा एक नक्षत्र जो रंगमंच का है जो हमारे बीच ग्वालियर की स्थान पर आया है और आर्टिस्ट का माइंड दिल से बधाई का पात्र है, जिसने इतनी लंबी रंगमंच की परंपरा को पाला है, पोषा है और लगातार उसे समृद्ध कर रहा है। निश्चित रूप से हम सभी उस मराठी रंगमंच के साथ हिंदी रंगमंच को भी जोड़ने की कोशिश करें, निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवर्ष का रंगमंच समृद्ध होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं मंच पर आसीन पुनः योगेश जी का, भाई साहब का, दीदी का और संजय जी का और संपूर्ण का सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया इस अवसर पर, कृतार्थ किया इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर उद्बोधन डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी साहब के द्वारा। मराठी रंगमंच के बारे में उनके विचार जानकर बड़ा अच्छा लगा। अपने संक्षिप्त से उद्बोधन में उन्होंने एक छोटा सा संदेश दिया है, मराठी सशक्त रंगमंच, ये बात डॉक्टर साहब ने कही है, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता है। मराठी सशक्त रंगमंच की भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले डॉक्टर साहब ने मराठी सपा और मराठी रंगमंच की भी बहुत अच्छी प्रशंसा की और अच्छे गुण लेते हुए हिंदी रंगमंच को भी हम ऐसा ही समृद्ध बनाएं ऐसी अपेक्षा भी व्यक्त की। मुझे लगता है आगे आने वाले युवा रंगकर्मियों के लिए ये बहुत उद्बोधक चीज है और इस पर जरूर विचार किया जाएगा। अब मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के मुख्य अतिथि आदरणीय योगेश सुमन जी से अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूँगा कि कृपया वो माइक पर आए और अपने दो शब्द मूल्यवान हमारे लिए आशीर्वाद वचन के रूप में कहें। रंगमंचावर उपस्थित सर्व महानुभाव डॉक्टर हिमांशु, उमाजी और सामने सभी बैठे हुए रंगकर्मी साथी, डॉक्टर हिमांशुंनी जे सांगितलं मराठी रंगभूमी एक नक्कीच अभिमानाचं स्थान एकूण भारतीय रंगभूमीवर आहे, पण मला हे मुद्दाम सांगावं असं वाटतं की या क्षेत्रात अडखळ टाकणारी पावलं मार्गावर लावण्याचं काम माझ्या गुरूंनी जे माझ्या बाबतीत केलं ते माझे गुरु मात्र हिंदी भाषिक होते, पण मराठी रंगभूमीला अभिमानास्पद असं काम त्यांनी केलं ते म्हणजे पंडित सत्यदेव दुबे। ग्वाल्हेरमध्ये हे माझं पहिलं रंगकर्म आहे, अर्थात पहिल्यांदाच मी ग्वाल्हेरमध्ये येतोय आणि ते लेखनाच्या बाबतीत होतंय, हे खूप माझ्यासाठी चांगली गोष्ट आहे, अभिमानाची गोष्ट। 1987 सालापासून जेव्हा नाटकामध्ये धडपडत होतो, काही काम करत होतो, त्यावेळेला सगळ्याच गोष्टी येत होत्या, मतलब मैं लेखक भी हूँ, निर्देशक भी हूँ, अभिनेता भी हूँ, तो ऍक्च्युअली क्या करना चाहिए। 1993 में जब मैंने दुबे जी के साथ मेरा लास्ट वर्कशॉप चल रहा था, आखिरी वर्कशॉप चल रहा था, तो उन्होंने पूछा तुम करना क्या चाहते हो, मतलब तीनों चीज़ें तीनों फैकल्टीज में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, मैं एक्टिंग भी ठीक ठाक नहीं अच्छी कर लेता हूँ, निर्देशन भी अच्छा करता हूँ और लेखन भी करता हूँ। लेखन अब तक मैंने 75 एकांकी लिखे हैं और 18 फुल लेंथ लेख लिखे हैं। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, तो मैंने ये उनको बता दिया कि जो शाश्वत है वो मैं करना चाहता हूँ और शाश्वत लेखन होता है क्योंकि तुम्हारे विचारों का प्रकटन शाश्वत तरीके से रहता है, सालों साल रहता है, वो लेखन रहता है। मतलब आज अगर मेरी एक एकांकी
अगर यहाँ किसी ग्रुप ने कर दी तो 10-20 साल के बाद भी वही एक काम की अलग दृष्टिकोण से की जाएगी। तो इस 20 सालों में पहले जिसमें एक्टिंग किया था उसे शायद लोग भूल जाएंगे लेकिन राइटर को नहीं भूलेंगे, तो मैं वो करना चाहता हूँ और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उसी समय मैंने उनको पूछा, क्योंकि वो जो दुबे जी ने जो वर्कशॉप लिया था पुणे में, तो वो वर्कशॉप एक पुरुषोत्तम करंडक नाम की एक एकांकी स्पर्धा इंटर कॉलेजिएट वहाँ होती है पुणे में, बहुत फेमस है। तो उसमें जिनको पारितोषिक मिले थे उन लोगों के लिए उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आयोजन संस्था ने फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल का एक प्रोजेक्ट दुबे जी के साथ किया था, उसमें हम थे। तो उस साल 1992 में और 1993 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार मुझे मिले थे, मतलब वो राइटिंग के मिले थे, एक्टिंग के मिले थे और निर्देशन के मिले थे। तो मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर था उस वर्कशॉप के लिए, असिस्टेंट था उस वर्कशॉप के लिए। तो 3 साल तो उन्होंने कुछ शुल्क नहीं लिया था, फीस नहीं ली थी। तो हम लोगों ने ये तय कर दिया कि कुछ गुरुदक्षिणा जून महीने में गुरु पूर्णिमा थी तो गुरुदक्षिणा उन्हें देनी चाहिए। तो बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर मैं उनके पास गया। एक तो दुबे जी बहुत रागी माणूस होते, त्यांचा राग हा नाकावर नाही, तो कशा कशावर असायचा हे माहीत नाही। कधीही काही जरा बेशिस्त झालं की ते बोलायला लागायचे, मग ते दुबेजी होते आणि ते काहीही बोलायचे। म्हणजे मराठीमध्ये ज्या आपल्यालाही शिव्या माहीत नाही त्या त्यांना माहिती असायच्या आणि त्या ते द्यायचे। तो मैं ऐसे लोक सामने गया और हम सब विद्यार्थी आपको गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं। तो उस वक्त वो ट्विंकल खन्ना को हिंदी बोलना सिखा रहे थे, शायद उसका डेब्यू था, तो इसलिए वो 6 महीने से उनको ट्विंकल खन्ना को, डिंपल की बेटी डिंपल जी की, तो उनको हिंदी बोलना सिखा रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो मेरा पर आवर, उस वक्त 1993 पर आवर मेरा चार्ज है 16,000 रुपीज, और मैं शनिवार रविवार उसे 6-6 घंटे सिखाता। तो मैंने हिसाब लगाना ही छोड़ दिया कि पिछले 6 महीने से अगर वो इस रेट से उन्हें सिखा रहे हैं तो हमें कितना देना चाहिए। तो रुपये पैसों की तो बात ही खत्म हो गई। तो मैंने पूछा कि लेकिन हम लोग आपको गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा बाकी को छोड़, तुम एक गुरुदक्षिणा मुझे दे सकते हो। मेरा जो स्कूल है आवाज संवाद शास्त्र, ये जो मेरा स्कूल है, द थिएटर इज बेस्ड ऑन वॉइस, वॉइस कल्चर, वॉइस इंटोनेशन, ये मेरा स्कूल है। विजय भाई का अलग है, वो कॉन्टेम्पररी थे दोनों। तो ये स्कूल तुम आगे बढ़ाओ, इसके वर्कशॉप्स लो, जितने साल तक तुम जितने स्टूडेंट्स को सिखाओगे हर एक स्टूडेंट का 1-1 रुपया मेरे खाते में जमा हो जाएगा। तो मैंने 2000 साल से वर्कशॉप देना शुरू किया, तो आज तक करीबन 7,500 रुपया दुबे जी के खाते में जमा हो गए। और कल से जो वर्कशॉप होगा उसमें से जो स्टूडेंट्स से 25-30 तो वो 25-30 रुपये उस खाते में जमा हो गए। कल से हम लेखन प्रक्रिया के बारे में यहाँ काम करेंगे, मैं मेरे एक्सपीरियंसेस अनुभव शेयर करूँगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे। 4 दिन के वर्कशॉप से कोई लेखक नहीं बनेगा, लेकिन लेखक बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हम किस माध्यम में लेखन कर सकते हैं ये समझ में आ गया, वो भी बहुत अच्छा है कि हम डायलॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम रिदमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कविता लेखन और नाटक, इसमें से कौन से माध्यम में हम लिख सकते हैं ये भी अगर विद्यार्थियों के समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छा होगा। कल हम शब्द पे काम करेंगे, परसों हम संवाद पे, डायलॉग्स पे काम करेंगे। शब्द मतलब कल्पना, कल्पना दिमाग में कैसी आती है, हमारे सोए हुए मन में वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से वो दिमाग में झट से आ जाती है और हम उसे पकड़ना भूल जाते हैं, लेकिन कल्पना हर एक को आती है, तो उसको पकड़ने की कोशिश कल करेंगे। उसके बाद हम डायलॉग्स और वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स, हर एक की वोकैबुलरी रहती है वो कितनी अच्छी, जितनी समृद्ध होती है वो लेखक के लिए अच्छा है, तो उसके बारे में हम परसों काम करेंगे। उसके बाद हम काम करेंगे सीन वर्क,
नाटक हो या स्क्रीन प्ले हो, सीन वर्क बहुत जरूरी होता है। सीन कहाँ से शुरू हो, सीन कहाँ, ये सब क्राफ्ट के बारे में बोलता है। तो परसों तीन दिन, तीसरे दिन हम उस पर काम करेंगे और चौथे दिन हम एक्चुअली फॉर्म पे काम करेंगे। इन चार दिनों में जितनी भी कल्पनाएं आएंगी वो एक फॉर्म में बद्ध करने की कोशिश हम करेंगे। वर्कशॉप बिल्कुल 7 बजे मतलब 6:59 में शुरू हो जाएगा। 7 बजे नहीं, 4 बजे, सॉरी 4 बजे मतलब 3:59 में शुरू हो जाएगा और खत्म शायद 7 बजे के बाद आधे घंटे में 7:30 या 8 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन शुरू वो बराबर हो जाएगा। हम सब प्रोफेशनल राइटर बनने की कोशिश कर रहे हैं या इसके लिए ये वर्कशॉप में हम सहभागी हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, या मैं आप लोगों की ओर उस तरह से देख रहा हूँ कि आप में से कोई शायद एक नाटककार होगा या अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर होगा या शॉर्ट फिल्म राइटर होगा, किसी सीरियल के सीन्स लिखेगा या किसी सीरियल के डायलॉग्स लिखेगा। तो आप भी उसी तरह आइए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम और मेहनत, आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। शायद ये निःशुल्क है, अपन मराठी म्हणतो की फुकटाची किंमत नसते तर असं करू नका, हे फुकट नाही। तुम्ही तुमचा वेळ इथं देणार आहात, तुम्ही तुमची बुद्धी इथं खर्च करणार, ते लक्षात ठेवा। तुमच्या वेळेची काहीतरी किंमत असली पाहिजे, जाणारा प्रत्येक सेकंद परत येणार नाही आहे, तो जाणार आहे पुढच्या 4 दिवसामध्ये, तर त्याचा प्रत्येक मिनिट अन मिनिट तुम्ही वापरलं पाहिजे असं मला वाटतं। माझ्या सूचना एवढ्याच, पेन पेन्सिल बरोबर असावं, पेन चालणारं असावं, सोबत एक वही असावी, कागद नको, मोबाईलवर टाईप नाही करायचं, वही असावी, आणि आपल्याकडचं कुठलंही एक पुस्तक उद्याच्या पर्टिक्युलरली एक्सरसाइजसाठी, मग ते कथासंग्रह असेल, कुठली कादंबरी असेल, कुठलंही एक पुस्तक बरोबर आणायचं आहे ज्याची ज्याचा एक्सरसाइज तुम्हाला उद्या कळेल काय एक्सरसाइज आहे। आणि भरपूर सारे प्रश्न पडले पाहिजे, जोपर्यंत जब तक आपको सवाल नाही आपके मन में आएंगे, दिमाग में आएंगे, तब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो ये क्यों हो रहा है, किसके लिए एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में मुझे ये कठिनाई आई तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, और इसमें मैंने अगर बढ़िया किया है तो मैं क्या और अच्छा कर सकता हूं। इस तरह के सवाल अपने लेखक के बारे में या और जो कुछ भी आपने पढ़ा हो उस लेखक के बारे में आपके दिमाग में हर रोज आगे आने वाले 4 दिन होने चाहिए। मुझे अच्छा लगता है जो वर्कशॉप के बारे में जो कहना था वो मैंने कह दिया है, बाकी तो 4 दिन में बोलना हो ही जाएगा। आप सभी को मेरे साथ शुभकामनाएं, धन्यवाद। शायद मैंने हिंदी में ही बता दिया, मराठी में कलर्स में काय करो, ओके। एक नोटबुक चाहिए, उसके साथ एक पेन जो चले वो चाहिए, और एक किताब चाहिए जो आपके घर में होगी, शायद कथा संग्रह या कोई नॉवेल या कोई नाटक, कुछ भी चाहेगा जिसमें उसके हर पेज में बहुत अच्छी तरह वर्ड्स और सेंटेंसेस और फ्रेजेस होने चाहिए, एक्सरसाइज उस पर। तो ये तीनों चीजें चाहिए और वक्त पे अपना वर्कशॉप शुरू हो जाएगा, बिल्कुल 4 बजे शुरू हो जाएगा, मतलब 4 बजे शुरू हो जाएगा, 4 दिन उसके लिए निकाल कर आना। हम ऐसा हो जाता है कि अमेटर एक्टिविटी जब करते हैं तो हम हमारे रीजंस को बहुत महत्व देते हैं, मतलब गाड़ी पंक्चर हो गई, भीड़ बहुत थी, ट्रैफिक जाम था, ये कोई भी रीजंस नहीं चाहिए। यहाँ 4 बजे आना है तो 4 बजे आना है, कल से मेरी भूमिका अलग होगी, मुझमें शायद दुबे जी आ जाएंगे। थैंक यू। एक लहानसं पण फारच सार घातले, तसं संदेशात्मक भाषण आपण ऐकलं आताच योगेश सुमनजी यांच्याकडून। 4 दिन की कार्यशाला में कोई लेखक बने ना बने, लेकिन 4 दिन के कार्यशाला से जो अनुभव मिले इससे अपना दायरा काफी बढ़ा सकता है, अपनी विधा को समृद्ध कर सकता है। यानंतर मी आमच्या अध्यक्षा आपल्या डॉक्टर सौ उमा कप्पूवाले यांना माईकवर पाचारण करत आहे, त्यांनी या वेळी आशीर्वचन आपल्या सगळ्यांना द्यावे। आदरणीय
योगेश जी आणि आमच्या महाविद्यालय युनिव्हर्सिटीमधील प्राध्यापक नाट्यशास्त्र त्यांना येणार आहे माझं. खरं तर आज मी जेव्हा इथे येत होते कार्यक्रमाकरता तेव्हा आमच्या वल्लभाशी पद्धत मैत्रिणी विचारतात कुठे जाताय म्हणून. माझ्याही मैत्रिणींनी विचारलं की आज पुन्हा नवीन साडी वगैरे नेसून आज कुठे जाते शरद व्याख्यान मला तर संपली आहे. तर मी त्यांना उत्तर दिलं आज मी नाट्यमंदिरात जाते आणि तिथे मी अध्यक्ष म्हणाले. ते म्हणत का कविता कथा वगैरे सगळं आता पुन्हा नाटक येईल. तर मी मलाही मनात खरं संकोच वाटला की खरंच या क्षेत्रात माझा काहीही अभ्यास नाही, मला या विषयाचं विशेष ज्ञान नाही, फक्त समोरच्या खुर्चीत बसून इथे नाटक पाहणे एवढाच मला नाट्याशी माझा संबंध आहे आणि मी ते करतो. आणि संजयजींनी खूप आग्रहाने मला सांगितलं की नाही तुम्हाला यायचं आहे आणि मराठीत आपले विचार व्यक्त करायचे आहे, तुम्ही त्यांची आभारी आहे. पण आता मला योगेशजींचे आणि सरांचे विचार ऐकल्यानंतर वाटायला लागले की आता आपण अध्यक्षीय भाषण थोडक्यातच द्यावं. ग्वाल्हेरला ही नाट्यलेखन शाळा होते आहे आणि बऱ्याच म्हणजे मी माझ्या ऐकण्यात तरी पहिल्यांदाच आहे, तरी हिंदीमध्ये मराठी नाट्यलेखन इथे भरपूर झालेलं आहे ग्वाल्हेरला. त्याच्यामध्ये सुरुवात मी करते जगन्नाथ प्रसाद मिलिंदजी होते, फार मोठे साहित्यकार होते आमच्या ग्वाल्हेरचे. त्यांनी प्रताप प्रतिज्ञा नावाचं नाटक लिहिलं होतं आणि ते नाटक त्या काळात खूप गाजलं, खूप लोकप्रिय झालं आणि त्या नाटकाचं मंचनही ते मोठ्या प्रमाणात केलं गेलं. त्यानंतर प्राध्यापक नाग बोळस म्हणून होते, त्यांनीही नाटकं लिहिली. त्यांनी लिहिलेले नाटक खूबसूरत, बहू, कंपनी का नाम आणि अग्नी ही चार नाटकं त्यांनी लिहिली. या नाटकांचं मंचनही झालं आणि लोकांनी त्याचं स्वागतही केलं. त्यानंतर विजय बापट जे होते त्यांनीही नाटक लिहिले, इंग्लिश नाटकांचा त्यांनी हिंदीमध्ये अनुवाद केला आणि त्यांचं मंचनही केलं. त्याचप्रमाणे प्रकाश दीक्षित यांनी पृथू नावाचं नाटक लिहिलं आणि त्यांनी अनेक इंग्रजी नाटकांचा हिंदीमध्ये अनुवाद केला आणि आपल्या मराठी नाटकाचा थँक यू मिस्टर क्लार्क या नाटकाचाही त्यांनी मराठी हिंदीमध्ये अनुवाद करून त्याचं मंचन येथे केलं. ही थोडक्यात हिंदीमध्ये लेखन झालेल्या नाटकांची परंपरा आहे, पण याच्या उलट मराठीची स्थिती आहे. मराठीमध्ये प्राध्यापक राम देशमुख यांनी ग्वाल्हेर मराठी सारस्वत म्हणून एक कविता संग्रह प्रकाशित केला 2002 मध्ये. त्या कविता संग्रहामध्ये ग्वाल्हेरच्या 100 वर्षात जेवढ्या कविता लिहिल्या गेल्या म्हणजे 1900 पासून 2000 पर्यंत जेवढ्या कवींनी कविता लिहिल्या त्या सगळ्यांच्या कवितांचं त्यांनी संकलन केलं आणि त्याच्यात ज्या साहित्यकारांचा परिचय दिला होता त्याच्यावरून असं दिसलं की फक्त 2 मराठी लेखकांनी मराठीतच नाटकं लिहिली. त्यातल्या ज्या आज आपण सभागृहात बसलेल्या आहोत त्यांच्या पत्नी कैलासवासी इंदिराबाई खाकवर यांनी 2 नाटकं लिहिली. एक नाटक होतं त्यांचं झुंगाबाईचा झेंडा आणि दुसरं होतं एकी बेली. हे लघु नाटकं होते पण त्यांचं मंचनही झालं आणि ते लिहिल्याही नाही. त्याच्यानंतर आमचे डॉक्टर आदरणीय कान्हेरे सर होते, त्यांनी 2 नाटकं लिहिली. एक लघुनाटक लिहिलं त्यांनी, त्याचं नाव होतं गरिबीचा संसार आणि त्यांनी एक 3 अंकी नाटक लिहिलं त्याचं नाव होतं अखेर पंख फुटले. असे त्यांनी 2 नाटकं लिहिले पण ते त्याचं ते साहित्य प्रकाशितही झाले आणि त्याचं मंचनही झालं. ही मराठीची स्थिती आहे. आता आज या नाट्यशाळेमध्ये आपल्याला अतिशय विद्वान आणि मुंबईवरून आलेले आपले अतिथी लाभलेले आहे आणि इथे बसलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. आम्ही त्यांच्याकडनं शिकणार आहोत कारण आम्हाला नाट्यलेखनाचं खरोखर काहीही नॉलेज नाही आहे. पण ग्वाल्हेरला कविताही लिहिल्या गेली, कथाही लिहिल्या गेली, इथे वृत्तपत्रही मराठीत प्रकाशित होत आहे, त्याच्यातूनही साहित्य प्रकाशित झालं, पण नाटकही लिहिल्या गेलं मराठीच्या संदर्भात म्हणते. पण ते असं का झालं असावं माझं थोडंसं या विषयाचा जो विचार आहे तेवढा मला असं वाटतं की नाटक लिहायचं म्हणजे त्याच्यासाठी एक स्टेज, कलाकारांचा संच, मंच, त्याचं नेपथ्य, त्याचं दिग्दर्शन हे सगळे झालं पाहिजे. त्याच्याशिवाय नाटक साधत नाही होऊ शकत, नुसतं नाटक लिहून त्याचा काही उपयोग नाही. आणि या कारणाने कदाचित नाटक लिहिलं गेलं नसावं असं मला वाटतं.
खरतर काव्य कथा नाटक हे सगळे एक दुसऱ्याशी जुळलेलेच आहेत, ते असे खूप वेगळे आहेत असं नाही. कारण ह्या थँक्यू मिस्टर लांजाचा उल्लेख केला त्या कादंबरीवरून नंतर नाटकही लिहिले गेले आणि त्याचं संचलन झालं. आज या कोरोना काळामध्ये अनेक वाईट गोष्टी झाल्या, पण अशी एक चांगली गोष्ट जी झाली की आम्ही ऑनलाईन व्हॉट्सॲप माध्यम यूट्यूबच्या माध्यमातून एकमेकांच्या संपर्कात राहिलो, अनेक विधं आम्ही त्याच्या माध्यमातून सादर केलं. ग्वालियरलाही याचा भरपूर उपयोग केला आणि याचा फायदा हा झाला की आम्ही पूर्ण देशाशी जगाशी जोडल्या गेलो. आमची शरद व्याख्यान मला निघाली ती अमेरिकेमध्ये इंग्लंडमध्ये सगळीकडे लोकांनी त्या माध्यमातून ऐकली. आता मला असं वाटतं की आपल्या इथे आम्ही मराठी काव्यांचा कार्यक्रम कविगोष्टी करतो महिन्यातून एकदा, त्याच्यानंतर हिंदी कविगोष्टी होते तीही महिन्यातून एकदा, कथा वाचन होतं, कविता वाचन. आता योग्यतेसारखे इतके इतके समर्पित आणि योग्य मार्गदर्शक आम्हाला आता लाभणार आहेत. ते आम्हाला 4 दिवस विविध विधांवरती आपलं शिकवणार आहेत त्या कशा करायच्या. तर मला असं वाटतं फक्त एक संजयजींना हे निवेदन आहे की आम्ही म्हणजे व्हॉट्सॲपच्या किंवा ऑनलाईन माध्यमातून आपले जसं एक एक दिवस ठरवून घेतले नाही, तसा एक दिवस ह्या कार्यशाळेनंतर त्यांनी असा निश्चित करावा की त्या महिन्यांना एक दिवस तरी नाटक हे लिहिलं जावं, लघु नाटक हिंदी मराठी दोन्ही चालतील, पण त्यासाठी एक दिवस जरूर ठेवावा. म्हणजे एवढे परिश्रम योगेशजी येथे येऊन जे करणार आहेत त्याचं क्रियान्वित होत आहे, त्याचा उपयोग होईल आणि ती परंपरा चालू राहील. म्हणजे आता पुन्हा दुसरी कार्यशाळा जेव्हा आपण योगेशजींच्या मार्गदर्शनात घेऊ तेव्हा त्यांना दिसेल की आम्ही एवढं काहीतरी तिथे करून ठेवलेलं आहे, असं माझा एक विचार आहे या संदर्भातला. आणि दुसरं म्हणजे संजयजींना मी विशेष त्यांचे मी धन्यवाद या मंचावरून मानते आहे की आमच्या बाल्याला संगीताचे 5 महाविद्यालय 5-6 महाविद्यालय संगीताचे, मोठी युनिव्हर्सिटी पण आहे इथे, त्याच्यानंतर फाईन आर्ट्सचं पण इथे कॉलेज आहे, मूर्तिकला वगैरे याचंही प्रशिक्षण शिक्षण दिलं जातं. पण नाटकात असं काहीही कॉलेज किंवा अशी काही अकॅडमिक व्यवस्था आमच्या इथे नव्हती, ती संजयजींच्या माध्यमातून इथे सुरू झालेली आहे. जे आमचे युवा नाटकामध्ये इंटरेस्टेड असणारे जे आमचे युवा आहेत त्यांना ग्वालियर सोडून सगळ्यांना बाहेर पुण्या मुंबईकडे जाणे शक्य नाही, पण त्यांना नाटकात रुची आहे आणि त्यांची ही रुची संजयजींनी तिथे इथे जे अकॅडमिक सुरू केलेलं आहे, कॉलेज सुरू केलं त्याच्या माध्यमातून त्यांना जरूर मिळते. हे त्यांचे खरोखर आभार आहे की त्यांनी नवीन विधा सुरू केले. आज या मंचावर सगळ्या दिग्पंचनांकडून मला बसायची संधी मिळाली याकरता मी आपल्या सगळ्यांचे आभारी आहे आणि इथे मी आपले विचार. खूप छान मागे मी परिचय करताना 2 नावांचा परिचय केला, पण ते मला वाटतंय की अपुरा परिचय जसा आता त्यांनी व्यवस्थित उल्लेख केला. मुख्य नाव म्हणजे एक नाभा बराडकर, यांची भरपूर नाटकं रंगमंचावर आली आणि प्रसिद्ध झाली. त्याशिवाय प्राध्यापक राम जोगळेकर यांनी आपल्या कारकिर्दीत जवळजवळ 20-25 नाटकं लिहिली आहेत, त्यातली 10 नाटकं महाराष्ट्र राज्य स्पर्धेत उतरली. आणि त्याचा त्यात एक आनंदी गोपाळ हे नाटक व्यावसायिक रंगमंचावर पण आलं, त्यात आपल्या सर्वकालीन लोकप्रिय कलाकार काशीनाथ नाणेकर यांनी पण काम केलेलं होतं. हे विशेष उल्लेखनीय आहे म्हणून मी परत आठवणी परत सांगतोय. आणि हो, महत्त्वाचं म्हणजे प्राध्यापक राम जोगळेकर यांच्या कार्यावरती PhD करणाऱ्या सर्व कार्यामध्ये आहेत आणि त्यांनी डॉक्टरेट मिळवलेले आहेत. अब ज्यादा समान ना लेते हुए इस शुभ अवसर पर प्राप्त सभी आदरणीय अतिथिगण एवं अध्यक्ष महोदय से प्राप्त सर्वपूर्ण मार्गदर्शन की जो हमें खाती हासिल हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए परंपरानुसार इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा श्री मुकुल सत्य साहब को, कृपया मंच पर आए. श्री मुकुल सत्य साहब को मैं पुनः निवेदन करूँगा
कि संस्था के स्मृति चिन्ह यानी मोमेंटो देकर आदरणीय डॉक्टर हिमांशु देवजी साहब का सम्मान करें। श्रीमती दीप्ति मोगे जी, श्रीमती दीप्ति मोगे जी से मैं निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह डॉक्टर श्रीमती उमा कंपाले जी को देखकर सम्मान करें। पुनः एकदम ही सगळ्यांना स्मरण करू इच्छितो कि उद्या म्हणजे 27/10/2021 संध्याकाळी 4 ते 7 पासून आपली कार्यशाळा नाट्यलेखनाची सुरुवात होणार आहे। तर जसं आता आपल्या मुख्य अतिथींनी सांगितलं की आपण 4 वाजता त्यांनी हजर व्हावं, कंटिन्युअस 3 दिवस 27, 28, 29, 30 सभी कला रसिकों को, नाट्य सपनों को मैं बात कह देना चाह रहा हूँ, मतलब जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल दिनांक 27/10/2021 से नाट्य लेखन कार्यशाला का प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए अपने पास बहुत आदरणीय व्यक्ति मौजूद हैं, इनकी उपस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाना अपने हाथ में है। कल दिनांक 27/10/2021 से साय 4 से लेकर 7 के मध्य लगातार 4 दिन 27, 28, 29, 30 को आप सभी जैसे कि निर्देश मिले हैं ऐसी मानसिकता बना करके आप यहाँ पधारें, आप अवश्य ही कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ साथ में लेके जाएंगे। और इसके बाद में एक बहुत सुंदर मौका आ रहा है अपने पास, आदरणीय श्री योगेश सुमन जी के साथ, उर्दू में उसको गुफ्तगू कहते हैं, हिंदी में कहें तो संवाद होगा, मराठी में कहेंगे हितगुज। जैसे हम एक परिवार के लोग एक कमरे में बैठ के आपस की बातें करते हैं, ये सुना रहा हूँ सर, मैं बार बार बात नहीं होने वाला है। 31/10/2021 को प्रातः 10 बजे इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे माननीय संत श्री राघवेंद्र शिरगांवकर जी। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। 31/2021 को ही एक विशेष कार्यक्रम संध्या 5 बजे पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे संस्था आर्टिस्ट कमांड ग्वालियर के सचिव डॉक्टर संजय लगाटे, इनकी नाट्य संबंधी पुस्तक का विमोचन होना है, वो भी आदरणीय योगेश सुमन जी के करकमलों के द्वारा। इस अवसर पर सभी संतों के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समापन की विधिवत घोषणा करता हूँ और आप सभी के अनमोल उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूँ। नमस्कार। और दोनों चौथे दिन को क्या भैया चौथे दिन की पूरी स्क्रिप्ट